हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो कैसे हो आप लोग। सो जिस बुक की हम आज बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो कि चलती है क्लास 10th में, एनसीईआरटी की बुक है ये। और इस बुक में ना बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी इंस्पायरिंग है, ठीक है, और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो जब सबसे पहली स्टोरी है ना इसकी, इसका स्टोरी का नाम है अ ट्रायंप ऑफ सर्जरी। इसका मतलब होता है सर्जरी की एक जीत। अब इस कहानी में क्या होता है ना, एक कुत्ते की कहानी है ये, जिसका नाम होता है ट्रिकी। उसकी जो मालकिन होती है ना, जिसको पालती पोसती है, उसका नाम होता है मिसेस पम्फ्री। और एक डॉक्टर की कहानी है जिसका नाम होता है मिस्टर हैरियट। अब होता क्या है ना, जो डॉक्टर होते हैं मिस्टर हैरियट, वो अपनी कार से जा रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं जो ट्रिकी है ना, वो अपनी मालकिन के साथ स्ट्रीट में टहल रहा होता है, गली में। और वो ये देख के ना बड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं और चिंतामय हो जाते हैं कि भाई ये हो कैसा गया है कुत्ता, क्योंकि जो कुत्ते की अपीरियंस होती है ना ट्रिकी की, वो काफ़ी मतलब फैट सा हो गया होता है, उसकी आंखें होती हैं बिल्कुल लाल होती हैं, ठीक है, और तो और उसकी नाक बहरी होती है, और जो उसकी जीभ होती है ना वो लटक रही होती है। अब मिसेस पम्फ्री होती है ना, वो जब डॉक्टर साहब उसके पास आते हैं ना, तो कहते हैं, बताते हैं कि भाई, मिसेस पम्फ्री कहती हैं ये ना बहुत उदासीन हो गया मिस्टर हैरियट, और ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, ये शायद मल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, ठीक है, खाने पीने की कमी हो रही है इसे, इसीलिए ना मैं इसको एक्स्ट्रा मील्स देती हूँ, ठीक है, कुछ वो देती हूँ, क्या बोलते हैं, कॉड लीवर ऑयल देती हूँ इसको, हॉर्लिक्स देती हूँ रात को, ताकि अच्छे से सो सके ये, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा। अब जो हैरियट होते हैं ना, वो कहते हैं कि मैंने आपसे कहा था ना, जो मीठी चीज़ें हैं वो थोड़ा कम करो इसके लिए। तो जो मिसेस पम्फ्री होती है ना, वो कहती है कि मैंने कोशिश करी करने की, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वीक हो गया, और फिर मुझे मजबूरी में देना पड़ा, क्योंकि इसको ना, इसको क्रीम केक्स बहुत पसंद है, इसको चॉकलेट बहुत पसंद है, और मैं ना इस चीज़ को मना नहीं कर सकती। अब भाई ये देख के तो ना वो बड़ा ट्रबल में हो जाते हैं कि भाई ये ट्रिकी ऐसा हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब को पता होता है ना मिस्टर हैरियट को, कि जो ट्रिकी है ना उसकी सबसे बड़ी बीमारी ये है कि वो किसी भी चीज़ को, खाने वाली चीज़ को ना मना नहीं कर सकता, और वो खाने के लिए बड़ा हफ्सी किस्म का कुत्ता है वो। अब वो कहते हैं कि भाई मिसेस पम्फ्री होती है ना, उन्होंने ये नहीं बताया होता कि भाई उसमें उनका भी फॉल्ट है। अब जो मिस्टर हैरियट होते हैं ना, वो कहते हैं कि आपने इसको खूब सारी एक्सरसाइज कराई है। अब जो मिसेस वो होती है ना, मिसेस पम्फ्री, वो कहती हैं कि मैं इसको शाम को टहलाने ले जाती हूँ, ठीक है, और जो हमारा नौकर है, गार्डनर है, ठीक है, हॉटगिन, उसकी कमर में ना दर्द होने लगा, तो इसलिए आजकल इसकी रिंग थ्रोइंग एक्सरसाइज भी नहीं चल पा रही है। अब ये सुन के तो ना जो मिस्टर हैरियट होते हैं, उन्हें पता होता है कि भाई अब करना क्या है। तो ये सीन दिया है कि फोटो दिया बहुत अच्छी। अब जो मिस्टर हैरियट होते हैं ना, वो कहते हैं कि भाई अगर आपने इसका फूड कट नहीं करा, इसको खाना पीना कम नहीं करा, इसको एक्सरसाइज नहीं कराई, तो इसकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, ठीक है, और आप ना काफ़ी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करिए इसके लिए। अब जो मिसेस पम्फ्री होती है ना, वो कहती है ठीक है मिस्टर हैरियट, मैं कोशिश करूँगी कि इसको अच्छी डाइट फॉलो करूँ, और मैं अभी से बिल्कुल ना शुरू कर दूँगी। अब वो बिल्कुल अपने ना, उन्हें प्राण प्रणश्चय कर लिया होता है मिसेस पम्फ्री ने, कि भाई वो अब बिल्कुल घर जाते ही ये पूरा स्ट्रिक्ट डाइट रूटीन फॉलो कर देंगे, इसको कम खाना देना ये वो सो। लेकिन ना जो डॉक्टर साहब होते हैं ना, उनको बड़ा कंसर्न होता है कि ये सब कुछ काम करेगा भी या नहीं करेगा, क्योंकि जो ट्रिकी है ना, अब जो ट्रिकी जब जा रहा होता है ना, तो ट्रिकी ने कोट पहन रखा होता है, और ट्रिकी के पास ना बहुत सारे कपड़े भी होते हैं, हर मौसम के लिए उसके पास कोट होते हैं, ठीक है, ठंडी के लिए कोट है, रेनी कोट है, ठीक है, रेन कोट भी है उसके लिए, और जब गीले दिन होता है, मतलब हर तरीके के कपड़े होते हैं उसके पास। ये देख के ना जो वो होता है ना मिस्टर हैरियट, वो बड़ा अजीब देखते हैं, कैसा है, कैसे पाल रखा है इसको। अब उनको ना एक्सपेक्टेड होता है कि मिस्टर हैरियट को, कि भाई मिसेस पम्फ्री करने वाली हैं उसको कॉल। अब कुछ दिन बीतते हैं, जो मिसेस पम्फ्री होती है ना वो कॉल करती है, ठीक है, वो बताती हैं कि भाई क्या हाल चल रहा है। अब वो कहती है ना जो ट्रिकी है, अब तो वो कुछ ना कुछ खाना ही बंद कर दिया, जो उसकी फेवरेट चीज़ें हैं अब तो वो भी नहीं खाता, और जो खाता है वो उल्टी कर देता है, और दिन भर बस बैठा रहता है, ठीक है, कहीं वॉक पे नहीं जाता, और तो और कुछ नहीं करता। अब जो डॉक्टर साहब होते हैं ना, मिस्टर हैरियट, उन्होंने अपने प्लान पहले से ही तैयार कर रखे होते हैं कि भाई एक्चुअली में करना क्या है। सबसे पहला काम जो होता है ना वो होता है कि उस ट्रिकी को, कुत्ते को ना, उनके घर से बाहर निकालना है। अब वो कहते हैं ना कि भाई मैडम, आपके कुत्ते की हालत काफ़ी ख़राब है, तो हमें ना इसको हॉस्पिटलाइज करना होगा, और हमें ना इसको अपनी ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। अब जो पुअर लेडी होती है ना, वो सोचती है कि भाई अगर मैं, ये मुझे देखेगा नहीं तो ये तो बेचारा मर ही जाएगा, लेकिन उसको ना, उनको ये सेक्रीफाइस करना होता है, क्योंकि ट्रिकी है, उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही, और यही एक सबसे अच्छा तरीका है उसकी जान बचाने का। अब वो अब क्या होता है ना, अगले दिन जो मिस्टर हैरियट होते हैं ना, वो अपनी कार से आ जाते हैं उस कुत्ते को लेने। अब वो देखते हैं ना, जो मिसेस पम्फ्री होती है, उन्होंने उसको लपेट रखा होता है एक ब्लैंकेट में, और जो पूरा स्टाफ होता है ना, वो बिल्कुल दौड़ने लगता है घर में इधर उधर, क्योंकि बाहर मिसेस हैरियट की कार खड़ी होती है, और सब लोग ना उसके खाने पीने का, नाइट बेड उसका, डे बेड, कुशन, ठीक है, टॉयज, साले रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट के बाउल, सब कुछ, अब जितनी भी ये सब चीज़ें होती है ना, सब कुछ सारे नौकर मिस्टर हैरियट की ना कार में रख रहे होते हैं। अब मिस्टर हैरियट सोचते हैं कि भाई इतना सामान है कुत्ते के लिए,
मेरी तो कार भी भर जाएगी। अब वो क्या करते हैं ना, वो फटाफट कार में बिठा के ना जाना शुरू कर देते हैं। अब वो जब देखते हैं ना कि भाई जो मिस्टर हैरियट होती है ना, वो पीछे से उनकी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि भाई अब वो रो रही होती है, उनका कुत्ता चला गया। लेकिन अब जब वो पहुँचते हैं ना वहाँ पे, जैसे डॉक्टर साहब पहुँचते हैं अपने उसमें अपने घर पे ना, तो बहुत सारे कुत्ते होते हैं ना, वो सब लोग डॉक्टर साहब को घेर लेते हैं। और वो ना जैसे ही वो कुत्ते को नीचे रखते हैं ना ट्रिकी को, सब लोग सारे कुत्ते ना उसको आकर सूंघते हैं। और वो जैसे ही देखते हैं कि भाई ये तो कोई मतलब फालतू ऐसी इग्नोर्ड अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, ये उसको छोड़ के चले जाते हैं सारे कुत्ते। अब क्या होता है ना, उसका बेड लगाया जाता है ट्रिकी का, जितना भी वो सामान आया होता है ना, डॉक्टर साहब ने एक भी सामान यूज़ नहीं करा उसका, उसका बेड लगाया जाता है जहाँ पे बाकी कुत्ते रहते हैं, वहीं पे उसका भी बेड लगा दिया जाता है। और दो दिन तक ना डॉक्टर साहब उस पर नज़र रखते हैं, और उसको ना खाना तो कुछ भी नहीं देते, ठीक है, लेकिन उसको ना खूब सारा पानी पिलाते हैं। और दूसरे दिन के बाद ना वो थोड़ा मतलब इंटरेस्ट दिखाने लगता है जो भी उसके आसपास सराउंडिंग होती है। और तीसरे दिन ना वो बाकी कुत्तों के साथ इधर उधर उधर भौंकने भी लगता है थोड़ा। अब जब वो गेट खोलते हैं ना, तो देखते हैं जो ट्रिकी होता है ना, तो उस जो दूसरे कुत्ते हैं उनके साथ अच्छा खासा घुल मिल सा गया होता है, जो ग्रे हाउंड, ठीक है, और उसके दोस्त भी बन चुके होते हैं। और जहाँ दूसरे कुत्ते जाते हैं ना, वो भी उन्हीं के साथ जाता है, इधर उधर भागता है। और जो उसका फैट होता है ना शरीर पे एक्स्ट्रा जो फैट होता है, वो इधर उधर झूल रहा होता है। अब उसके बाद क्या होता है ना कि भाई जब उसका खाने का टाइम होता है, तो जो वो होता है ना जो खाना खिलाता है उनको, उसका नाम होता है ट्रिस्टन। अब वो क्या करता है, सारे कुत्तों की ना बाउल में खाना रख देता है। सारे कुत्ते भाग के आते हैं, क्योंकि भाई उन्हें पता है अगर हमने खाना नहीं खाया तो हमारे से का खाना कोई दूसरा कुत्ता खा जाएगा, तो खाने में है बड़ा कंपटीशन। अब जो ये होता है ना ट्रिकी, ये बड़ा आराम आराम से लास्ट में आता है, ठीक है, जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब जब आता है ना वो, तो उसको हल्की फुल्का थोड़ा बहुत जो दूसरों की थालियों में से बचा होता है ना, बाउल में से वो चाट वाट लेता है, और फिर वो चला जाता है। अब ऐसी होता क्या है ना, जो उसकी प्रोग्रेस होती है वो सुधर रही होती है, ठीक है, उसको कोई भी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब अगले दिन क्या करते हैं ना कि भाई जो अब जो बाकी कुत्ते होते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ट्रिकी को। अब वो लोग सब लोग खेलते हैं। अगले दिन क्या होता है, जो मिसेस वो होते हैं ना मिस्टर हैरियट, वो एक नया बाउल रखवा देते हैं उसके लिए कि भाई एक और बाउल रख दो ताकि इसमें आके खाना खा सके। अब जैसे ही वो देखते हैं ना, सारे कुत्ते भाग के आते हैं, वो भी भाग के आता है, फिर वो भी खाना शुरू कर देता है। अब ना थोड़ा इनका अच्छा चल रहा होता है, दोस्तों की इसकी बॉन्डिंग हो गई होती है ट्रिकी की दूसरे कुत्तों के साथ। और तो और जब ये खाली होते हैं ना रात को, तो ये लोग रात को चूहे मारा करते थे एक खाली सी जगह में। और ना इनको मतलब जिंदगी अच्छी चली थी, क्योंकि ट्रिकी को पहली बार अच्छा लग रहा होता है। अब जो मिसेस पम्फ्री होती है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉल कर रही होती थी मिस्टर हैरियट को कि भाई कैसी है मेरे कुत्ते की हालत, मुझे बताओ, ठीक तो है ना वो, उसकी रिकवरी कैसी चल रही है। और हर बार ना वो क्वेश्चन को मतलब इग्नोर कर दिया करते थे। डॉक्टर साहब वो कहते थे ना कि इस समय ना हम उसको नजरानी में रखे हुए हैं, हमारी नज़र है उस पर, और वो हल्के हल्के ना रिकवर कर रहा है। अब जो मिसेस पम्फ्री है ना, वो क्या करती थी ना, वो उसको ना बहुत सारे अंडे भिजवाती थी उसके लिए, दो दो डजन अंडे भिजवाती थी एक टाइम में, ताकि भाई ट्रिकी ना हट्टा कट्टा उसकी स्ट्रेंथ वैसी ही रहे। और ये देख के तो ना जो मिस्टर हैरियट होते थे वो बड़ा हंसते थे, वो कहते थे कि ठीक है भैया हमारे नाश्ते का जुगाड़ हो गया। और वो ना उन अंडों को उबाल के अपना नाश्ता किया करते थे। और वो क्या करती थी ना, जो मिसेस पम्फ्री थी, वो उसके लिए ना अपने कुत्ते के लिए ट्रिकी के लिए उनके घर पे ना वो भी भेजा करती थी, वाइन भेजा करती थी, अब भैया ताकि लंच में वो वाइन पी सके कुत्ता। अब वो क्या करती थी, जो मिस्टर हैरियट थे ना, वो खाना खाने के बाद दोपहर में वाइन भी पिया करते थे। और हद तो तब हो गई जब मिसेस पम्फ्री ने ना एक दिन उसके लिए वो भी भेज दी, ब्रांडी भेज दी, ताकि भाई उसको अच्छा लगे। अब जो वो होते थे ना मिस्टर हैरियट, वो रात को खाना खाने के बाद फिर ब्रांड भी पीते थे, कुत्ते को कुछ नहीं मिलता था, वो खुद सब अपना मस्ती से खाते पीते थे। अब ऐसे ही दिन चले गए, ठीक है, जैसे जैसे एग आते थे उनका एक्स्ट्रा एग भी बढ़ गया, मिस्टर हैरियट खूब खा रहे हैं एग अपना। अब जो मिसेस पम्फ्री है ना, उनकी रातें बड़ी वैसी टाइट कट रही थी भाई, वो हमेशा मतलब जब भी फ़ोन करती थी तो मिस्टर हैरियट बताते थे कि आपका कुत्ता रिकवर कर रहा है। अब एक दिन क्या होता है ना, वो पूरे तरीके से मतलब उनको पता होता है कि भाई अब कुछ तो करना पड़ेगा। क्या होता है, वो कहते हैं कि मिस्टर हैरियट, मिस्टर पम्फ्री, आप आ जाइए और कुत्ते को ले जाइए। अब जो क्या होते हैं ना, अब जो मिस्टर हैरियट होते हैं ना, वो उसको कहते हैं मिसेस पम्फ्री को कि आप आ जाइए और आपका कुत्ता ना अब ठीक है, अब उसको यहाँ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आ जाइए। अब मुश्किल से 30 मिनट बीतते होंगे ना, वो तुरंत आ जाती हैं बाहर, एक चौफर आता है, ठीक है, चौफर उसको आदमी को कहते हैं जो कि गाड़ी चलाता है, ठीक है, आपकी गाड़ी है और किसी को पैसे देकर आप गाड़ी चलवा रहे, तो उसको चौफर कहते हैं। अब मिसेस पम्फ्री होती है ना, वो उतर रही होती है, वो डॉक्टर हैरियट, वो मिस्टर हैरियट कहते हैं ना कि आप उतरिए मत, आप कार में ही रहिए, मैं उसको लेके आता हूँ। अब उसको लेके आते हैं, ठीक है, उनके हाथ में देते हैं, और जैसे ही मिसेस पम्फ्री के हाथ में टिक्की आता है ना, वो उनको चाटने लगता है, बहुत अच्छे से प्यार करता है। अब जो उनका चौफर होता है ना, वो फटाफट बाकी के जितने भी उसके सामान होते हैं वो सब लेके आ रहा होता है, जिसका कभी यूज़ ही नहीं हुआ होता, ठीक है, उसके सारे जो होता है जिसमें खाना खाता है, बाउल वगैरह, उसके बेड, कुछ भी नहीं। और अब ना दो हफ्ते बाद जो उसका शरीर होता है ना, वो काफ़ी मतलब हट्टा कट्टा हो गया होता है, अब उसके एक्स्ट्रा चर्बी नहीं लटक रही होती, ठीक है,
और तो और ये सब चल ही रहा होता है ना, ये देख के तो भाई जो मिसेस पेम्फ्री होती है ना वो बहुत ज्यादा खुश होती है। वो कहती है कि भाई डॉक्टर साहब आपने तो कमाल ही कर दिया, ठीक है। और वो उनके आम में ना बहुत अच्छे से टिकी है, उसको बड़ा प्यार कर रहा होता है मिसेस पम्फ्री को, और उनका ना चेहरा चाट रहा होता है एक्साइटमेंट में। अब जो मिसेस पम्फ्री होती है ना उनकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। वो कहती है मिस्टर हैरियट मैं आपका कैसे शुक्रिया करूं, ये सब ना सर्जरी का ही कमाल है, ठीक है। तो यहाँ से आया इसका नाम टर्म ऑफ सर्जरी, और ये जो कहानी लिखी है ना ये लिखी है जेम्स हैरियट ने, तो बहुत ही अच्छी कहानी है। एंड आई होप सो आपको अच्छी लगी हो। सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।